हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका R&R पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। जो मित्र नए हैं, जो फ्रेंड्स न्यू हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे आगामी वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट आता है, उसके लिए ये बेस्ट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपकी जो एडजेक्टिव की प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी सॉल्व होगी। तो मैं इस प्रकार के वीडियोज़ प्रतिदिन लाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड करता है, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये आठ प्रकार के होते हैं। एट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर देयर। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी ऐड करता है। ए फास्ट फ्रेंड ये एग्जाम्पल है। इसमें जो फास्ट दिया हुआ है, ये क्वालिटी का एक उदाहरण है। सेकंड देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। द इंडियन सोल्जर्स, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसमें इंडियन जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है सोल्जर्स के साथ। ऐसे ही थर्ड है द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लाइक सम सुगर, मच वेट, सम और मच, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी शुगर है उसके बारे में बताते हैं, तो वो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, तो एडजेक्टिव हो गया। ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 10 girls 5 boys, इस प्रकार हम नंबर्स जब लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव में आता है। इसी प्रकार फिफ्थ देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दिस फ्रॉक, दिस दैट, दिस दोज का हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें याद रखने वाली ये बात है कि देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डिफरेंस क्या है कि दिस के बाद अगर वर्ब आता है तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, और दिस के बाद जैसे फ्रॉक आया, नाउन प्रोनाउन आएगा, तो ये जो है वो एडजेक्टिव में बन जाएगा। ये बाकी एग्जांपल्स में भी ये रूल जो है फॉलो होता है। दिस के बाद अगर वर्ब आता है, वर्ब दिस इज फ्रॉक, तो यहाँ पे दिस जो है वो प्रोनाउन बन गया। लेकिन दिस फ्रॉक यहाँ पर नाउन के तुरंत पहले दिस है, तो यह है एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें ईच बॉय जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव का काम यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे सेवन्थ, देखेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? व्हाट टाइम इज इट, यहाँ जो व्हाट है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सेवन्थ जो एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए एट्थ जो है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव। माई अंकल आर बुक, माई अंकल आर बुक, यहाँ पे माई और जो आर है ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। यहाँ भी सेम रूल फॉलो होता है, अगर माई के बाद कोई वर्ब है और आर के बाद कोई वर्ब है तो ये प्रोनाउन में चले जाएंगे, और अगर ये माई अंकल जो नाउन और प्रोनाउन अगर साथ में आते हैं तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो माई अंकल आर बुक, ये पजेसिव प्रोनाउन एट्थ। चलिए अब बात करते हैं हम इनका यूज़ का। जो ये एडजेक्टिव है, इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं? तो इनको हम कंपैरिजन के माध्यम से सेंटेंस में यूज़ करेंगे, और ये कंपैरिजन जो है तीन प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो अब यहाँ पर आप देखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन का सेंटेंस होगा राम इज बोल्ड बॉय, सीधा बोल्ड का यूज हुआ। कंपैरेटिव में राम इज बोल्डर देन श्याम, इसमें बोल्डर का यूज हो रहा है। सुपरलेटिव में राम इज द बोल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, द बोल्डेस्ट। तो इस प्रकार बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट का हम यूज करते हैं कंपैरिजन में। अब इनको हम नीचे देखिए, और भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, गुड, बेटर, बेस्ट। इस प्रकार हम इनको सेंटेंस में यूज करते हैं। ब्लैकर जो होगा, जो कंपैरेटिव होते हैं उसमें हम देन और टू का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव से पहले हम द का यूज करते हैं। यहाँ पर हम द लगाएंगे, द ब्लैकेस्ट, और यहाँ पे हम देन का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले इन सेंटेंस में आपको समझाया है। चलिए अब इनको हम सेंटेंस में समझते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, ही इज डैश देन यू। ऑप्शन है स्ट्रोंगर या मोर स्ट्रोंगर।
तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एबल, एबलर, एबलेस्ट होता है, मोर उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रोंगर आ जाएगा, ही इज स्ट्रोंगर देन यू। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश फूल, ऑप्शन है मोस्ट बिगेस्ट या द बिगेस्ट। तो सिंपल सी बात हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उससे पहले हम द का यूज करते हैं, तो द बिगेस्ट, ही इज द बिगेस्ट फूल। नेक्स्ट देखेंगे, यू आर सीनियर डैश मी बाय 2 years, तो ऑप्शन है टू या देन, तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा टू। क्यों? क्योंकि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर आदि वर्ड्स में जो है हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का, तो यहां पर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, आई प्रीफर वॉकिंग डैश राइडिंग, ऑप्शन है देन या टू, तो यह सही आंसर है टू, क्योंकि प्रीफर के साथ भी हम टू का यूज करते हैं, आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, बताना है कौन सा सही है, ही इज रिचर देन वाइजर या ही इज मोर रिच देन वाइज। तो इसका ये जो सही सेंटेंस है वो है सेकंड वन, मोर रिच देन वाइज इज द राइट आंसर, तो ये सेकंड वन वाला राइट आंसर है, पहला वाला रॉन्ग है, ही इज रिचर देन वाइजर नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो के बारे में कोई सजेशन देने हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो तैयार करूं, तो आप मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताया कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करना न भूले, सब्सक्राइब